हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही पनीर, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। शाही पनीर एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही रिच मेन कोर्स रेसिपी है। शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए एक तेज़पत्ता, 4 से 6 इलायची, 4 से 6 लौंग, एक चक्रफूल, एक बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 2 कप टमाटर, 1 कप प्याज, 1 टेबल स्पून अदरक, 400 ग्राम पनीर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून शहद, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 कप क्रीम, 1/2 कप काजू, 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू, 2 टेबल स्पून बटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। और इसके लिए ये पैन हमने गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, अदरक, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चक्रफूल, दालचीनी और लौंग। इससे अलग जो हमने मसाले लिए हैं ये इसमें डाल देंगे, नमक और पानी। गैस थोड़ा तेज कर लेंगे और इनको थोड़ा सा डिप कर देंगे। बटर इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे बॉईल होने देंगे, जिससे कि जो मसाले हैं उनका जो फ्लेवर है, उनकी जो एरोमा है, वो हमारे टमाटर प्याज में आ जाए। तो चलिए उबलने देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ 10 से 15 मिनट मुझे हो गए हैं। ये मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल किया है। अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो 10 मिनट्स सफिशियंट हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये हो चुकी है, हमारे टमाटर गल चुकी हैं, प्याज भी गल चुका है। तो अब हम अपनी फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारे टमाटर और प्याज ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम अपना काजू का पेस्ट बना लेते हैं। और उसके लिए ये लिया है मैंने चटनी जार और इसमें हम काजू डाल लेंगे। ये काजू मैंने गर्म पानी में 1/2 से 1 घंटा भिगा के रखे थे। चलिए इसको पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, ये काजू का पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। ये बिल्कुल फाइन पेस्ट बना है और इसको बनाने में हमने 1/2 कप काजू में 1/4 कप पानी यूज किया है। ये बिल्कुल हमारा स्मूथ बन गया है। अगर आप काजू नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी जगह मगज ले सकते हैं, जिसे मस्क मेलन सीड्स भी बोलते हैं, या फिर आप पॉपी सीड्स यानी खसखस को भिगा कर उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा तैयार हो गया है और इसको हम साइड में रख देते हैं। फ्रेंड्स, ये ठंडे हो गए हैं हमारे प्याज टमाटर और इनको हम पीस लेते हैं और उसके बाद हम इन्हें छान लेंगे। लेकिन अगर आप छानना नहीं चाहते हैं और आपको लगता है छानने में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो इन दैट केस आप ये जो खड़े मसाले हैं इनको आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इनका फ्लेवर ऑलरेडी इसमें आ चुका है। तो आप इन खड़े मसालों को बाहर निकाल कर तब एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाइए। लेकिन छानने में भी टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 4 से 5 मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा लगते हैं। तो चलिए ये आपकी चॉइस है, हम इसको अब पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है और अब हम इसे छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छलनी में डाल लिया है और इसे हम छान लेंगे इस तरह से। फटाफट फटाफट इसको हम छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा छन गया है पूरा और ये वेस्ट निकला है, इसको हम फेंक देंगे। तो ये ग्रेवी हमारी छनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम अपने शाही पनीर की आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पर और इसको गर्म कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे बटर, लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैंने पहले यूज कर ली थी और 1/2 टीस्पून हम इसमें यूज करेंगे। और इसी में डाल देंगे धनिया और इसको कुछ देर के लिए चला लेंगे। ये धनिया को हमने 30 सेकंड तक भून लिया है और इसी में अब हम डाल देंगे पनीर और इसको अच्छे से 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे।
और अब हम डाल देंगे इसमें ग्रेवी जो हमने बनाई थी और काजू का पेस्ट। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे काजू को और ग्रेवी को, और इसको 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है हमारी ग्रेवी का, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब इसे 2 मिनट के लिए हम कुक होने देते हैं। ये 2 मिनट हो चुके हैं सब्जी को कुक होते हुए, और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, उसको भी मिक्स कर लेंगे। और क्रीम, देखिए ये मैंने मलाई ली है, इसकी जगह आप फैट फ्री क्रीम यूज कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें हनी, उसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी का कितना रिच लुक आ रहा है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है शाही, उतना ही इसमें ये देखिए। देखिए शहद की जगह आप शुगर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे काजू और इसको मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे अपने सर्विंग बाउल में पलट लेते हैं। फ्रेंड्स ये शाही पनीर मैंने अपने सर्विंग बाउल में पलट लिया है, और अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे क्रीम से। थोड़े से काजू इस पे डाल देंगे, और ये हम लगा देंगे धनिया थोड़ा सा। तो ये हमारा शाही पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है। ये बहुत क्रीमी, बहुत स्मूथ, बहुत रिच बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो आप भी ये रेसिपी घर पर जरूर जरूर ट्राई कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।